उन दिनों हम आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए नैनागिर गए थे। वर्षा काल चल रहा था। दोपहर में हमेशा की तरह आचार्य महाराज के प्रवचन हुए। प्रवचन के बाद पार्श्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय सबने देखा कि दीवार के सहारे एक छिद्र में से दो सर्प अपना मुंह बाहर निकाले बैठे हैं। आचार्य महाराज की भी नजर उन पर पड़ गई। वे क्षण भर वहीं ठहर गए। फिर वो जो बोले वो देखिएगा। उन्होंने कहा कि सर्पराज, शांत भाव से निर्द्वंद होकर विचरण करो। पूर्व जन्म में किए गए किसी अशुभ कर्म के उदय से ये पर्याय मिली है, उसका सदुपयोग कर लो, अपना आत्म कल्याण कर लो, किसी का अहित ना हो इसका तो ध्यान रखना। ये आचार्य महाराज की अत्यंत प्रेम पगी वाणी में उन सर्पों के लिए बड़ा पावन संदेश था। फिर दिन बीतते रहे। चतुर्मास में कई बार लोगों ने प्रवचन के समय उन दोनों सर्पों को वहीं बैठे देखा। किसी का भी अहित उन सर्पों के द्वारा नहीं हुआ। ये सब देखकर सुनकर मुझे विश्वास हो गया, बल्कि मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि सचमुच इसी तरह तीर्थंकर की समुच्चरण सभा में सभी प्राणी आते होंगे और अपनी अपनी भाषा में धर्म को समझकर